अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अम्मी लाली कहीं नहीं जाएगी। जब मैं बीमार था मुझे कुछ याद नहीं था, तब ये थी मेरे साथ, इसने मेरा ध्यान रखा था। अरे धोखा तो मुझे मेरे बड़े भाई और अनमोल ने दिया है, इस बेचारी की क्या गलती। जो भी कहना सुनाना है आप उन्हें कहिए, इसे नहीं। ललिता जी और लाली हमारे साथ हमारे घर में रहेंगे। भाई आज अपने अनमोल भाभी के साथ बहुत गलत किया है। आप नहीं जानते कि आज आपने क्या खोया है। पर अब सच कहूं ना तो आपको तो भाई बोलने में भी ना शर्म आ रही है मुझे। अब से मैं आपको राखी कभी नहीं बांधूंगी। नंदनी ये तुम नहीं, तुम्हारा प्यार बोल रहा है, क्योंकि तुम अच्छे से जानती हो कि अनमोल अजय की बहन है, और अगर तुमने अनमोल का साथ नहीं दिया तो तुम्हारा और अजय का रिश्ता कभी बन नहीं पाएगा। ऐसे क्या देख रही हो, यहां सब अपने मतलब के लिए रिश्ते बना रहे हैं, तो मैंने क्या गलत किया। लाली चलो मेरे साथ। अनमोल कहाँ चली गई? रजत अनमोल पता नहीं कहाँ चली गई है। वो लड़की खुद के साथ कुछ गलत ना कर ले, जाओ जल्दी इसे ढूंढ कर लाओ। हेलो बोल, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे छोड़ो मुझे। अनमोल अनमोल यार, अनमोल कहाँ चली गई? भैया और दिखा दीजिए ना, इतना काफी नहीं है, मजा नहीं आ रहा हमें। नहीं अभी भी अच्छा नहीं लग रहा। अब ऐसा कीजिए उसमें तीखी चटनी डाल दीजिए, तब और अच्छा लगेगा। दीजिए बोल। आपको क्या लगा कि हम चले जाएंगे? चिंता मत कीजिए, हमने भी पहले यही सोचा था कि हम चले जाएंगे, लेकिन फिर हमने एक और बात सोची कि इतिहास को ना उसे पढ़ाई में ही दोहराना चाहिए, असल जिंदगी में नहीं। क्योंकि अगर हम यहाँ से जाते ना मायके में हमारे, तो घर के बाद हमें अम्मा खड़ी मिलती और फिर वो हमें धक्का दे देती, और फिर हम सड़क पर गिर जाते, और फिर हमारा पीछा करते करते कहाँ पहुंच जाते, और फिर आप उनसे लड़ते, और फिर ठीक जैसे पहले हुआ था हमें रास्ते में गुंडे मिल जाते, और फिर तूफान की तरह हमें बचाने के लिए आप उनसे लड़ जाते। लेकिन हमने सोचा कि वापस वैसा ही क्यों करें, इस बार कुछ अलग करते हैं। तो हमने सोचा गोल गप्पे खाते हैं। भैया दीजिए ना, खड़े क्या है आप, तीखा दीजिए बना के, और ऐसा कीजिए इनके लिए भी एक प्लेट बना दीजिए, बहुत स्वादिष्ट है गोलगप्पे, आप भी खा के देखिए। क्या हुआ आप ऐसे में देख क्यों रहे? अच्छा ये नहीं नहीं हम रो थोड़ी रह रहे हैं, वो तो इस गोलगप्पे का तीखापन है जो हमारी आंखों से निकल रहा है। बाकी हमारे आंसू तो पक्का नहीं निकलेंगे, कि वो क्या है ना कि हमारा आँख कान नाक गला सब कुछ सुन हो गया है, बिल्कुल हमारे दिल की तरह। वैसे सही कहते हैं लोग कि हम ना
बिल्कुल बुढ़बक है। बुढ़बक की तरह सोचते हैं, बुढ़बक की तरह काम करते हैं और बुढ़बक की तरह सपने देखते हैं। और देखिए, बुढ़बक की तरह हम धपाक करके जमीन पे गिर गए और ऐसा गिरे कि हमारी हड्डियां भी नहीं टूटी। है ना हम किस्मत वाले। अरे भैया दीजिए ना गोलगप्पे। नहीं बस। क्यों? हमें खाना है। भैया लाइए लाइए। तुम्हें गोलगप्पे की नहीं किसी और चीज की जरूरत। चलो मेरे साथ। यहाँ आज जो कुछ भी हुआ है, अनमोल ने अगर जाके अपने भाइयों के सामने उगल दिया तो हम में से किसी की भी गर्दन नहीं बचेगी। हाँ रमन, तू आप बिल्कुल सही कह रही है। बस तुम अनमोल को अपना लो, सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा। अरे तुझे कोई कुछ करने से कहाँ रोक रहा है? तू करना जो तुझे करना है, बस उस अनमोल को लाके इस घर में पटक दे ताकि हम बचे रहे। पापा मैं नहीं डरता उस अनमोल के भाइयों से। वैसे भी ना उस अनमोल की जमीन पे हमने फैक्ट्री का काम शुरू कर दिया तो अब हम पीछे नहीं हट सकते। मम्मी, लगता है ये लोग अभी भी अनमोल को नहीं छोड़ने वाले। इन लोगों के फायदे की रोटी बनने के चक्कर में हमारी रोटी चल ना जाए, इसलिए पहले से भी ज्यादा कुछ बड़ा सोचना। मैं जानता हूं अनमोल, एक बहुत बड़ा तूफान चल रहा है तुम्हारे अंदर और तुम उससे दबाने की पूरी कोशिश कर रहे हो, पर ये गुस्सा, ये फ्रस्ट्रेशन, ये दर्द, इसे बाहर निकलने दो, क्योंकि अगर ये अंदर रह गया ना तो धीरे धीरे करके तुम्हें निकल जाएगा। इसीलिए मैं तुम्हें यहां लेकर आया हूं, अपना सारा दर्द, अपना सब कुछ तुम बांट सकती हो। नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा और इन कपड़ों में तो बिल्कुल भी नहीं। बात कपड़ों की नहीं है अनिल, बात यह है कि असली अनमोल कहीं तुम्हारे मन के किसी कोने में छुपकर दुबककर बैठ गई है। ढूंढो उसे, बाहर निकालो। तुम ऐसा पहले कर चुकी हो। हमसे नहीं हो पाएगा। ये वो अनमोल नहीं है जिसे मैं जानता हूं, क्योंकि वो अनमोल कभी हार नहीं मानते। अनमोल अपनी पहचान वो लोग छोड़ते हैं जिन्हें जिंदगी से लड़ना नहीं आता, और तुम, अरे तुम तो गिरी हो, उठी हो, लड़ी हो और जीती भी हो। तो जाओ, जाओ आज लड़ो, जीत कर आओ और उस अनमोल को वापस लेकर आओ। हम नहीं कर पाएंगे, अब हम जो हैं यही है। शायद मैं ही गलत था, मुझे लगता था कि तुम बाहुबली भाइयों की दबंग बहन हो, लेकिन दबंग बोलने और दबंग होने दोनों में बड़ा फर्क होता है। सही कहा तुमने अनमोल, तुमसे नहीं हो पाएगा क्योंकि अब तुम कमजोर पड़ गई हो। जाओ तुम, आखिर मैं ही गलत साबित हूं। चाशनी सी मीठी जैसे और तीखी मिर्च है तू, फूल जैसे महके को भी रंग गुलाबी सुर्ख है तू। कभी कुछ
गुस्सा है कभी प्यार है कभी झूठी सी तकरार है कभी गुस्सा है कभी प्यार है कभी झूठी सी तकरार है मिस्री के जैसा बोल है तू अनमोल है तू अनमोल है तू जोरदार तालियां अनमोल के लिए। क्या हो भाभी, अब रो क्यों रहे? तो और क्या करूं? इस अनमोल ने बर्बाद कर दिया। रमन, पहले मैं रिलैक्स थी, मैंने सोचा अच्छा हुआ चली गई, पर अब रजत उसके पीछे गए हैं। वो तो अनमोल को हर हाल में वापस लेकर ही आएंगे। अनमोल, 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 नफरत हो गई मुझे इस नाम से। पर मुझसे ज्यादा नहीं हुई होगी। रमन, अनमोल तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे पसंद करने के बाद आई थी, पर मेरी जिंदगी में वो बिन बुलाई मेहमान जैसे आ गई है और मेरे और रजत के बीच आकर खड़ी हो गई है। सही कह रही हैं, अनमोल हर एक की प्रॉब्लम है। वो जितनी दिखते है ना, उससे कहीं ज्यादा चालाक है। भाभी, आई नो आप मुझे पसंद नहीं करती, पर मैं आपके लिए खतरा नहीं हूँ। वो अनमोल है। सुनहरी आंटी को तो उसने ऐसे मुट्ठी में किया है कि उसके आगे उन्हें अपना खुद का बेटा नहीं दिखता। विजय अंकल और बुआ जी, वो तो उसके भाइयों से इतना डरते हैं कि बस उनके सामने कुछ कह नहीं पाते। और रही बात रजत जी की, तो वो तो हम सब जानते हैं। भाभी, अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो वो दिन दूर नहीं जब अनमोल इस घर पर राज करेगी और हम सब उसकी उंगलियों पर नाचेंगे। अगर हम सब लोग मिलकर काम करें ना, तो ये अनमोल नाम का पत्ता ऐसा झड़ेगा कि सीधा नाली में जाकर गिरेगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ मम्मी, अगर तुम्हारा ये प्लान कामयाब हो गया तो अनमोल ना रमन की लाइफ में रहेगी ना रजत की, और वो इस घर से भी बाहर निकाल दी जाएगी। हाँ, पर ये तो बहुत खतरनाक प्लान है। नहीं, हमें सोच समझ के सब कुछ करना होगा। अनमोल, बहुत अच्छा लगा आज पुरानी वाली अनमोल को वापस देख। अब ये बताओ कि तुमने कुछ सोचा है कि आगे क्या करना है? कुछ भी नहीं, क्योंकि चौहान परिवार में तो अब हमारा कोई बचा नहीं, और अगर हम मायके चले गए तो चौहान परिवार का कोई बचेगा नहीं। और अगर एक बार भी अम्मा ने हमें देख लिया ना,
तो हमें ताने मार मार के हमारे कानों का कत्ल कर देंगे, जो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते। इसीलिए हमने एक बात सोचा है कि वो जो गोलगप्पे वाले काका थे ना, उनसे गोलगप्पे बनाना सीख लेंगे और फिर हम भी कोई गोलगप्पे का ठेला लगा लेंगे। अच्छा, तो एक बात बताओ, अगर तुम गोलगप्पे का ठेला लगाओगी तो नंदिनी और अजय की शादी कैसे कर पाओगी? क्या हुआ अनमोल, ऐसे क्यों देख रही हो तुम? अरे घूर क्यों रही हो? देखो जब भी तुम ऐसे शांत रहती हो ना, मुझे घबराहट होने लगती, डर लगता है पता नहीं क्या होने वाला है। अब बोलोगी कुछ? कुछ नहीं, हमें लगता तो नहीं था पर आप बड़े तेज निकले। मतलब यही कि आपने ना बड़ा अच्छा उपाय निकाला है हमें वापस घर ले जाने के लिए, कि आप अज्जू भैया नंदिनी की शादी के लिए तैयार है, पर हम ना आपके इस झूठ में आने नहीं वाले हैं। पर मैंने, हम समझ गए, अच्छे से समझ गए कि आप ना हमें उल्लू बना रहे हैं, पर हम उल्लू नहीं बनने वाले हैं। हम ना अनमोल यही चॉकलेट डालकर बैठेंगे, और जब तक आप हमसे वादा नहीं कर लेते ना कि आप सच में अज्जू भैया और नंदिनी की शादी कराएंगे, तब तक हम यही बैठे रहेंगे। सब हम बच्चे समझते रहते हैं कि हम बूढ़े पक है, पागल है, कुछ समझते नहीं है, पर हम ना बच्चे नहीं है, हम सब समझते हैं, इसलिए हम नहीं उठेंगे। बोल उठो, सब देख रहे हैं। नहीं उठेंगे, पहले बोले कि आप हमसे वादा करेंगे। बोल उठो। नहीं उठेंगे। अनमोल मकड़ी। आपने मैं फिर से उल्लू बना? अनमोल देखो, मैं तुम्हें उल्लू नहीं बना रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। देखो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं नंदिनी और अजय की शादी करवाऊंगा, वैसा ही प्रॉमिस जैसा मैंने रमन के लिए किया था। और आपने अपना वादा पूरा भी किया, पर वही रमन जी, अपना वादा और अपना फर्ज दोनों भूल गए। अनमोल वो मेरा मतलब था कि नहीं नहीं, वो क्या है ना कि अब हम जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते, इसलिए हम आपसे अपने तरीके से वादा करवाएंगे। चलिए अब हमारे साथ साथ वादा मंत्र बोलिए। क्या बोली? वादा मंत्र। वादा मंत्र ये क्या होता है? कुछ नहीं, ऐसे हाँ मुट्ठी बनाइए और ये ऐसे हाँ। अब बोलिए हमारे साथ टिम टिम। क्या है? वादा कीजिए। चलिए अब बोलिए हमारे साथ टिम टिम सिम सिम। क्या? मैं नहीं करूंगा यार, ये सब देख रहे हैं। पक्का नहीं करेंगे? अनमोल ठीक है, हम वापस चॉकलेट डालकर बैठेंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम उठो यार। ठीक है बताओ क्या करना है। ऐसे कीजिए, ऐसे। अब हमारे साथ साथ बोलिए टिम टिम सिम सिम। टिम सिम टिम टिम सिम नहीं, टिम टिम सिम सिम। टिम टिम सिम सिम। मैं अनमोल। मैं अनमोल। ये मैं, आप अनमोल हैं? सही, मैं आपका नाम वादा करता ऐसे। तो ऐसा बोलो ना, बोलो क्या करना है। टिम टिम सिम सिम। टिम टिम सिम सिम। मैं रजत चौहान ये वादा करता हूँ। वादा करता हूँ कि मैं घर जाके अजय नंदिनी की शादी के लिए सबको मनाऊंगा और उन दोनों की शादी भी कराऊंगा। कि मैं घर जाकर अजय और नंदिनी की शादी के लिए सबको मनाऊंगा और उनकी शादी भी कराऊंगा। अब ऐसे ये हो गया। चले We'll be right back.
इससे अच्छा क्या होगा विघ्नहर्ता कि आप हमारे घर पधारे। कहाँ चली गई थी? हमें कितनी चिंता हो रही थी तुम्हारी। ठीक हो ना तुम? हाँ माँ। विघ्नहर्ता, आपका लाख लाख धन्यवाद जो हमारी बच्ची सही सलामत घर वापस आ गई। रजत, तुम इसे लेने क्यों गए थे? क्योंकि नंदिनी की शादी करवानी थी। जो अनमोल के बिना नहीं हो सकती। बहुत समय लग गया मुझे ये बात समझने के लिए, और अब तेरा प्यार मुझे अच्छे से समझ में आ गया। अब होगी तेरी और अजय की शादी। मुझे तुम दोनों का रिश्ता स्वीकार है।